महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर कोडरमा के झुमरी तलैया में प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के मद्देनजर स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोगों से प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की। इसके अलावा स्कूली बच्चों ने झुमरी तलैया के झंडा चौक से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक जागरूकता रैली निकाली। झंडा चौक पर आयोजित कार्यक्रम उपायुक्त रमेश घोलप मुख्य रूप से मौजूद रहे। उपायुक्त रमेश घोलप ने लोगों को गांधी जयंती की बधाई देते हुए कहा कि आज जिले में स्वच्छता को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और पहले लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के लिए आप सभी कोडरमा वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। सरकार के द्वारा ये निर्देश प्राप्त है कि जितने भी गाँव हैं और बाजार मंदिर या इस तरह के जो प्लेसेस है जहाँ पे प्लास्टिक बहुत ज़्यादा प्रमाण में यूज किया हुआ पाया जाता है, तो आज हर गांव में स्वच्छता सभाएं हो रही हैं और शहर में भी आज हम लोग इस झुमरी तलैया नगर परिषद के एरिया में एक स्वच्छता रैली निकाल के और सफाई भी जो स्पेशली सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको ना यूज़ करने के लिए हम लोग मैसेज दे रहे हैं और अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में भी लोग प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, इसके लिए हम लोग इसके माध्यम से मैसेज दे रहे हैं। हमने अपील भी किया है नगर परिषद के पदाधिकारियों को कि पूर्व में भी जो सरकार के द्वारा प्लास्टिक के पर रोक लगाने और उसका मिनिमम यूज़ करने के संबंध में जो भी डायरेक्शंस दिए हुए हैं उसके संदर्भ में जो भी दुकानदार और स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग करके उनको अपील करें और उसके बाद भी अगर कहीं पे इस तरह से पाया जाता है तो सख्ती से उसका अनुपालन सुनिश्चित करवाएं। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त की अगुवाई में तमाम सरकारी अधिकारियों ने भी झंडा चौक से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक साफ सफाई की और प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा किया। वहीं इस कार्यक्रम में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से लोगों के बीच कार डस्टबिन और जूट के बने थैलों का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोडरमा से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट।